बॉलीवुड की मशहूर शादियों में से एक शादी पिछले दिनों करण देओल और अदृश्य आचार्य की हुई। यह शादी इस मायने में भी खास है क्योंकि करण देओल और त्रिशा आचार्य बॉलीवुड के नामी खानदानों में से एक हैं। दोनों का रिश्ता बॉलीवुड के दो बड़े खानदानों में से है। वहीं इस शादी को लेकर करण देओल की दादी हेमा मालिनी और बुआ ईशा और अहाना के आने की खबरें जो थी वो शादी से पहले काफी चर्चा में थी, लेकिन करण देओल की शादी में दादी हेमा मालिनी और बुआ ईशा और अहाना इस वजह से नदारद रहे। ये कारण है उसके पीछे का जिस वजह से वो नहीं दिखाई दिए, वो आपको बताते हैं। बहरहाल बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल ने 18 जून को त्रिशा आचार्य के साथ शादी कर ली। सनी देओल के बेटे की शादी परिवार की मौजूदगी में हुई। सोशल मीडिया पर इनके शादी की तस्वीरें और वीडियो लगातार छाए हुए हैं। अब भी कई वीडियोस और फोटोग्राफ तमाम सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। करण देओल की शादी में अभय देओल, धर्मेंद्र और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां मौजूद रही, लेकिन ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल शादी में नजर नहीं आई। बता दें कि शादी की सेरेमनी को लेकर किसी भी फंक्शन में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नहीं दिखाई दी। हेमा मालिनी भी करण देओल की शादी में नहीं आई, उनकी बेटियां भी शादी में नहीं आई, इससे फैंस को लग रहा था। लेकिन वही उनके फैंस को ये लग रहा था कि वो शादी में जरूर आएंगी, पर वो यहाँ नहीं पहुंची। आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी धर्मेंद्र और उनकी पत्नी प्रकाश कौर से शुरुआत से ही दूरी बनाना चाहती हैं, इस वजह से शादी में वो नहीं आई। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी की थी, लेकिन अब वो करण देओल और त्रिशा आचार्य की शादी में नहीं पहुंची है, जिसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। करण देओल और त्रिशा आचार्य ने मुंबई के सबसे मशहूर होटल लैंडसेंड होटल में ग्रैंड रिसेप्शन रखा था, जिसमें सलमान खान, दीपिका पादुकोण सहित तमाम बॉलीवुड की हस्तियां शामिल हुई थी। वहीं करण देओल की बारात के सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके पापा सनी देओल अपने बेटे की शादी में जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, तो करण के दादा धर्मेंद्र भी जमकर ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन शादी में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां नजर नहीं आ रही हैं। इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि ईशा देओल और आहाना की शादी में धर्मेंद्र के अलावा पूरे देओल परिवार ने दूरी बना रखी थी, जिसका बदला कहीं ना कहीं हेमा मालिनी लेती हुई दिख रही होंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।